सिंगरौली में पुलिस ने इलाके में चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की और अवैध रेत ढो रहे 3 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। बरगवां पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं। एडिशनल SP सोनकर ने बताया कि बरगवां थाना क्षेत्र के गडेरिया चिंगी टोला क्षेत्र में अवैध तरीके से रेत माफिया कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद बरगवां थाना प्रभारी ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बरगवां मुख्य मार्ग पर रेत से भरे बिना नंबर के 3 ट्रैक्टरों के पास संबंधित कागजात नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। रेत माफिया आसपास गांव में रेत को प्रति ट्रैक्टर प्रति ट्रॉली 2500 से 3000 रुपए में बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही रेत माफियाओं के द्वारा रेत की अवैध बिक्री की जा रही है। बरगवां पुलिस ने 3 ट्रैक्टरों को अवैध परिवहन करते रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाया था, उनको जब्त किया है और वैधानिक कार्रवाई की। इस संबंध में पूछताछ जारी है ना, अभी विशेष पूछताछ के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।